हेडलाइंस के प्रायोजक है अनवानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदे, लिटिगेशन फ्री जमीन विथ लैंड ऑनर चैटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा के बंगलागढ़ में अचानक आज भीषण आग लग गई। देर शाम आग लगते ही आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि अरुण वर्मा के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए के प्लास्टिक का बाल्टी, कप, प्लेट आदि सामान जलकर खाक हो गए। हालांकि यहां पर स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल को फोन किया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि 5 साल से अधिक समय से यह गोदाम था जिसमें लाखों रुपए के सामान मौजूद थे। स्थानीय लोग आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। बाद में अग्निशामक दल के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग इतनी तेज से है कि उसे बुझाना मुमकिन नहीं लग पा रहा है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम अवकाश से लौटते ही जब कांडों का अनुसंधान कर रहे थे, इस दरमियान उन्होंने पाया कि नगर थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व एक डकैती की घटना घटी थी जिसमें 45 लाख रुपए की लूट हुई है। तत्काल एसएसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि वो 24 घंटे में कांड का उद्भेदन करें और अपराधियों की गिरफ्तारी करें, वरना उन्हें निलंबित किया जाएगा। दरभंगा में COVID-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की आज बैठक हुई। 15,624 स्वास्थ्य कर्मी का डाटा हुआ अपलोड। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में COVID-19 के टीकाकरण की अग्रिम तैयारी हेतु जिलाधिकारी सह COVID-19 टीकाकरण जिला टास्क फोर्स डॉक्टर त्यागराजन SN की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार जिला टास्क फोर्स की द्वितीय बैठक बुलाई गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि COVID-19 टीकाकरण हेतु 15,624 कर्मियों के डाटा को अपलोड किया जा चुका है, जिनमें 12,734 सरकारी क्षेत्र के एवं 2,890 निजी स्वास्थ्य के कर्मी हैं। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए नाम जुड़वाने हेतु नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर जारी किया गया है। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए डाटा अपलोड किया जा रहा है। प्रथम चरण में निजी एवं सरकारी क्लिनिकों के स्वास्थ्य कर्मी का टीकाकरण किया जाना है। यदि किसी कर्मी का नाम छूट गया है या स्वास्थ्य कर्मी को अपना नाम जुड़वाना है तो कल तक नाम जुड़वाने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापना की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर हिचिंग लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 1800-345-6610 है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में सचिव खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार के विनय कुमार, सहकारिता विभाग के सभी जिले के अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित थे। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि धान अधिप्राप्ति को लेकर सरकार गंभीर है और इसके लिए 29 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक गाँव गाँव भ्रमण कर वैसे किसानों की सूची बनाएंगे जो धान बेचना चाहते हैं। दरभंगा में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलने वाली राशि के लिए नगर निगम में कागजात जमा करने के लिए चल रहे विशेष शिविर में 25 से 31 वार्ड के लोगों ने अपने कागजात जमा किया। यह शिविर 30 दिसंबर तक चलेगा। बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा की बैठक वरिष्ठ छात्र नेता राजेश कुमार राय की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से संस्कृत में कुल 6 विधानसभा सदस्यों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही तिथि निर्धारण करने के लिए दूसरे छात्रावास खुलवाने पर विचार, विश्वविद्यालय परिसर के सुंदरीकरण सहित CCTV कैमरा से करने का निर्णय लिया गया। 7 दिवसीय संस्कृत प्रशिक्षण शिविर, 5वां भ्रष्ट पदाधिकारियों सहित रस्सी निकायों के सदस्यों पर कार्रवाई करने पर विचार किया गया। प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा की ओर से आज दिनांक 28/12/2020 की एक बैठक आहूत की गई है, जिस बैठक में मुख्य मुद्दा हमारा है कि संस्कृत में हमारे 6 विधानसभा के सदस्य शपथ लिए, उनको सम्मानित करने की तिथि निर्धारण कर दी। दूसरा विषय हमारा छात्रावास
प्रशासन के अरियर रवैये के कारण नहीं खुल पा रहा है, जबकि अभी परीक्षा हमारे यहाँ हो रहा है। छात्र कहीं भटक रहे, कहीं किराए पर ले रहे, कि कोई उनका सुध लेने वाला नहीं है। तीसरा है विश्वविद्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण एवं क्लोज सर्किट CCTV लगवाना। आए दिनों हमारे छात्र असुरक्षित है, हमारी वाहन चोरी हो जाती, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार थाना के पास जाए, थाना का तो हम क्या करें, विश्वविद्यालय प्रशासन का था कि हम क्या करें। और चौथा विषय हमारा 7 दिवसीय संस्कृत प्रशिक्षण शिविर। हमारे संस्कृत के छात्र बहुत हमारी संस्कृत बोलना जानते हैं, ज्ञान भी हमारे बोल नहीं पाते हैं। इसके लिए हमारी संगठन 7 दिवसीय संस्कृत प्रशिक्षण शिविर चलाएगी। इसकी भी तिथि का निर्धारण आप लोग को बता दिया जाएगा बैठक के माध्यम से। अब पांचवा मुद्दा है, हमारे विश्वविद्यालय में कुलपति रूपी रत्न मिले, मगर कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों कर्मियों का। म्यूजियम गुमती के पास पटरी क्रैक होने की सूचना के बाद कई ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया। वही सुबह बिहार संपर्क क्रांति के प्रस्थान के समय रेलवे प्रशासन को यह सूचना मिली कि म्यूजियम गुमती के पास पटरी टूटी हुई है, जिसे लेकर बिहार संपर्क क्रांति को 43 मिनट विलंब से चलाया गया। इस दौरान टूटी पटरी को रेलवे के द्वारा ठीक किया गया। तत्काल इसी पटरी के माध्यम से कई ट्रेनों का आवागमन हो रहा है, तो वहीं रेल प्रशासन इस बात को लेकर सतर्क है। दरभंगा में ओवर ब्रिज नहीं होने की वजह से भुक्त भोगी बन रहे दरभंगा के लोग। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला म्यूजियम गुमती के पास, जहां समय से पहले ही लोगों की सुरक्षा के लिए रेलवे के द्वारा संपार फाटक गिरा दी जाती है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर भी इस संपार पाठक को पार करने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि विगत कई सालों से दरभंगा के नगर विधायक संजय सराफी के द्वारा ओवर ब्रिज बनने की बात यहां के लोगों से कही जा रही थी, जो अभी तक नहीं बन पाया है। DMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी रही। हड़ताल के दौरान अस्पताल में 2 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर डटे रहने से DMCH की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। काफी जद्दोजहद के बाद आपातकालीन विभाग में 2 गंभीर मरीजों का इलाज हो सका। इंदौर से मरीज लगातार पलायन कर रहे हैं। कई मरीजों को डिस्चार्ज कर हड़ताल का हवाला देकर उन्हें घर भेज दिया जा रहा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल गरीब एवं लचर मरीजों पर कहर बरपा रही है। वही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण DMCH में वीरानगी छा गई है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि LNMU के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा था। इस पर संज्ञान लेकर मंत्री ने सकारात्मक संदेश देते हुए कहा कि मामले में उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है। वहीं सांसद ने कहा कि शिक्षा देने के क्रम में इस निदेशालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में जुलाई सत्र 2020 में नामांकन एवं आगे की मान्यता दिए जाने के लिए मंत्री से आग्रह किया गया है, ताकि लाखों लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। मंडल कारा दरभंगा की बदहाली दूर हो रही है, इसके लिए भवनों के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। राज्य मुख्यालय की ओर से आवंटित 1.5 करोड़ रुपए से जर्जर भवन और जेल की चार दीवारी को ठीक कर सुरक्षा को लेकर इसकी बदहाली दूर की जा रही है। वहीं इसकी पुष्टि जेल अधीक्षक संदीप कुमार ने की। यहां 521 बंदियों के बीच 500 पुरुष और 21 महिला की क्षमता के लिए जेल है, मगर यहां तत्काल 575 पुरुष और 25 महिला इस जेल में बंद है। वहीं ठंड व कुहासे के बीच हाथ कांपने वाली शीत लहर से बचाव को लेकर अलाव जलाने के लिए अलाव सेंटर का निर्माण जेल के अंदर किया गया है। दरभंगा जिला क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी की बैठक संघ के गांधीनगर स्थित आवासीय कार्यालय में। बैठक की अध्यक्षता दरभंगा जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आलोक कुमार ने की। संघ के सचिव के अनुसार कार्यकारिणी के बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में बिना पंजीयन के कई कोचिंग कैंप चल रहे हैं, जिन्हें अब दरभंगा जिला क्रिकेट संघ से पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
इसकी राशि 11,000 होगी। वहीं उन्होंने बताया कि जो क्रिकेट कोचिंग कैंप जिला क्रिकेट संघ से पंजीकृत नहीं होगा, उस कोचिंग कैंप के खिलाड़ी को दरभंगा जिला क्रिकेट संघ सत्र 2021-22 से किसी क्लब से पंजीकृत नहीं करेगा। विश्वविद्यालय परिसर स्थित राज चौरंगी के पास रविवार की शाम बाइक सवार दो उचक्कों ने एक छात्र का मोबाइल फोन छीन लिया। पीड़ित छात्र साइकिल से अपने किराए के मकान शिवधारा जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो उचक्कों ने उसे रोककर जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल छीन लिया। इसके बाद वे तेजी से राज किले की ओर फरार हो गए। पीड़ित छात्र झंझारपुर के मूल निवासी मोहम्मद चांद ने देर शाम विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर पुलिस को अपनी फरियाद सुनाई। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार एक दिवसीय दौरा पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पहुंचे और परीक्षार्थियों से मिले। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने बिहार सरकार व केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए छात्र एवं छात्राओं को नौकरी देने के नाम पर पैसा उगाही करने का जरिया बना रखा है। सरकार लॉलीपॉप दिखाकर बहाली के नाम पर फॉर्म भरने को लेकर करोड़ों का मोटा रकम सरकार अपने जेब में भर रही है। जैसे राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 100 कुशल सहायक कर्मी के पद पर बहाल होना है। इस पद के लिए राज्य ने लगभग 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। इसमें शारीरिक योग्यता परीक्षा में लगभग 6,000 से अधिक छात्र एवं छात्राएं छट गए। लिखित में कुल 4,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया और उसमें 3,900 परीक्षार्थियों को पुनः बाहर कर दिया जाएगा। तो किस आधार पर देश और राज्य के छात्र छात्राओं को नौकरी दे रही है? वहीं समस्तीपुर जिलाध्यक्ष अभिनव कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन फॉर्मेलिटी पूरा कर रही है, सभी 100 सीट का बुकिंग कर लिया गया होगा, ये कृषि विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है। वहीं विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा ने देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री से मांग किया कि बिहार में लाखों छात्र एवं छात्राएं बेरोजगार भटक रहे हैं, जो देश का भविष्य है। एनएसयूआई सरकार से अपेक्षा करती है कि नए साल में देश व राज्य के युवाओं का तोहफा के रूप में बड़े पैमाने पर नौकरी की बहाली होगी, ताकि देश व राज्य रोजगार की ओर अग्रसर होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक को लेकर समाहरणालय दरभंगा पहुंचे थे। बैठक के बाद सांसद प्रिंस राज देर शाम जिला अतिथि गृह लहरिया सराय पहुंचे, जहां लोजपा के दर्जनों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। इस मौके पर सांसद प्रिंस राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन लोगों की जितनी भी इकाई है उन्हें भंग किया गया है और जल्द से जल्द एक नए सूची बनाई जाएगी, नए जिला अध्यक्ष का चयन होगा, चुनाव में जितने भी नए लोग उनसे जुड़े हैं उनको नई जिम्मेवारी दी जाएगी। वहीं प्रिंस राज ने कहा कि बिहार में जिस तरह का माहौल बना हुआ है कभी भी चुनाव हो सकता है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ कहा सांसद प्रिंस राज ने। उत्पाद विभाग पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने जहां एक ओर दरभंगा के चूना भट्टी के पास से रात्रि 2 बजे एक बेलेरो पिकअप वाहन पर 104 पेटी देसी शराब रखा हुआ था, गाड़ी को पुलिस जब्त कर उत्पाद विभाग ले गई। हालांकि गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। शराब रखा हुआ पकड़ा गया वाहन का नंबर BR07G9313 है। वहीं दूसरी ओर उत्पाद विभाग की पुलिस ने दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के पटनिया से उपेंद्र साहू के पुत्र प्रकाश साहू को 14 लीटर विदेशी शराब के साथ धर दबोचा, जो अपने घर में ही रखकर शराब का कारोबार किया करता था, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने उत्पाद हाजत में लाकर बंद कर दिया, जिसे जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के समर्थन में आयसा के द्वारा प्रतिवाद मार्च सह पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिवाद मार्च कपूरी चौक से निकलकर बच्चा वार्ड होते हुए इमरजेंसी वार्ड के सामने जाकर सभा में तब्दील हो गया, जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन भी किया गया। वहीं मार्च का नेतृत्व आयसा राज सह
सचिव संदीप कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, जिला सचिव विशाल कुमार मांझी ने किया। वहीं इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए आयशा नेदा ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों के मांग के प्रति सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, लेकिन सरकार डॉक्टरों से वार्ता नहीं कर रही है, जिस कारण पूरे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है। आयशा नेता ने कहा कि हम डॉक्टरों की मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सभी हड़ताली डॉक्टरों से वार्ता कर उनकी मांगों को पूरा करें, अन्यथा आयशा उग्र आंदोलन को बाध्य होगी।